स्नान मेले में प्रसाद की खिचड़ी को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, जो कि सुरक्षा प्रभारी एसआई श्री संत कुमार राठी काफी संख्या में अपने पुलिसकर्मी साथ में होने के बाद भी नहीं संभाल सके मेले की व्यवस्था। बताते चले कि मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र के नगर पंचायत अगवानपुर में अगवानपुर की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष इंद्रदेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में रामगंगा नदी के किनारे गंगा स्नान मेले का आयोजन किया गया, जो कि शाम 5 बजे मेला समाप्त होने पर खिचड़ी का प्रसाद बट रहा था, उसी को लेकर कुछ लोगों में कहासुनी हो गई। बात बढ़ने पर जमकर चले लाठी डंडे, जिस पर अजय भटनागर के सर में चोट आने पर अजय भटनागर ने मेडिकल कराकर थाना सिविल लाइन्स में 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी, जो कि अगवानपुर चौकी प्रभारी श्री राघवेंद्र सिंह कुमार तोमर ने बताया कि तीन लोगों पर मुकदमा संख्या 12/29/18 धारा 323 324 504 IPC पंजीकृत किया गया है, जो कि हिंदू विश्व परिषद के अध्यक्ष अंशुल गुप्ता ने बताया कि अगवानपुर में पांडवों के जमाने में यहां गंगा स्नान मेला लगता था और आसपास के दर्जनों गांव के काफी संख्या में लोग अगवानपुर गंगा नदी पर गंगा स्नान करने व गंगा जी की पूजा करने आते थे। काफी संख्या में भीड़ होने के कारण हमने पुलिस की मांग की थी, लेकिन फिर भी झगड़े की नौबत आ गई। क्या नाम है आपका? अंशुल गुप्ता। अच्छा, मेले का मेन उद्देश्य क्या है? ये मेला श्री आदर्श रामलीला कमेटी अगवानपुर द्वारा यहाँ प्राचीन काल से ही लगाया जाता है। ये मेला दशहरा मेला कहलाता है और ये पांडव जब महाभारत की असत्य पर सत्य की जीत कर वापिस लौट रहे थे तो अपने पूर्वज कौरवों के और अपने उनके परिवार के लोग मरे थे, उनके घाट पर दीवा लगाने की जो परंपरा चली थी वो परंपरा उसी युग से अभी तक लगातार निरंतर चली आ रही है। उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी गंगा जी का घाट है, सब जगह ऐसे मेलों के आयोजन होते हैं। ये जो मेला इस समय लगा हुआ है, ये हसनगढ़ी के घाट पर लगा हुआ है और श्री आदर्श रामलीला कमेटी अगवानपुर के द्वारा लगा हुआ है और इसका उद्देश्य यही है कि अपने पूर्वजों की आत्माओं की तृप्ति के लिए मेन इसे मेले का आयोजन होता है और धार्मिक लाभ ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने के बाद धार्मिक लाभ होते हैं। तो सदियों से जो परंपरा चली आ रही है हम भी उसका निर्वाह कर रहे हैं। तो कितने वर्षों से लग रहा है? ये 83वां वर्ष तो श्री आदर्श रामलीला कमेटी अगवानपुर द्वारा 83वां मेला तो है। उससे पहले जब कोई कमेटी नहीं थी, जब भी यहाँ पर किसान भाई मेला लगाते थे, ये प्राचीन कालीन मेला है। सर, अगवानपुर के राम गंगा स्नान मेले की क्या घटना है? कल ये सूचना मिली थी कि वहाँ स्नान के बाद सभी लोग स्नार्थी सब चले गए थे स्नान करके, तो दो दुकानदारों ने ये जो प्रसाद होता है खिचड़ी का, इसको बांटने को लेकर के झगड़ा हुआ था और उस संबंध में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा अपराध संख्या 12/29/18 अंडर सेक्शन 323, 324, 504 IPC पंजीकृत है, जो विवेचनाधीन है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा? ये करीब 3 लोग हैं। अगवानपुर का पंजीकृत हुआ है मुकदमा, नियम अनुसार नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या वहाँ फायरिंग भी हुई कोई? नहीं, ये कहना सब फर्जी बात है। तहरीर के अनुसार अभियुक्त पंजीकृत कर दिया गया है।